प्रांशु राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। पूरे ही देशभर में इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में काफी ज्यादा व्यस्त है और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वह देश के अलग अलग राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं और इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनता के दिलों से वह जुड़ रहे हैं। जनता को काफी करीब से जान पाने में यहाँ पर सफल होते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। और इसी बीच राहुल गांधी के परिवार के तमाम सदस्य हैं जो चर्चा का विषय बनते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है। 12 दिनों तक ये यात्रा मध्य प्रदेश में यहाँ पर नजर आएगी, लेकिन इस बीच यहाँ पर देखने को मिला कि मध्य प्रदेश में जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे तो यहाँ पर शानदार अंदाज में स्वागत किया प्रियंका गांधी वाड्रा ने। जी हाँ, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई राहुल गांधी से लंबे वक्त के बाद मिली, लेकिन उनके साथ साथ यहाँ पर उनके बेटे रेहान भी नजर आए। रेहान को लेकर इस वक्त सियासी गलियारों में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। रेहान जैसे ही अपने मामा से लंबे वक्त के बाद मिले तो वह काफी ज्यादा खुश हो गए और अब रेहान को लेकर यहाँ पर तमाम अटकलें भी शुरू हो चुकी हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे रेहान के बारे में कि सियासी गलियारों में रेहान को लेकर किस तरीके की यहाँ पर हलचल मच रही है और अब कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने उनको लेकर अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें कि रेहान इस वक्त पढ़ाई में काफी ज्यादा व्यस्त है, महज 22 साल की हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जैसे ही वह शामिल हुए तो वह चर्चा का विषय बनते हुए नजर आते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार रेहान को लेकर क्या कुछ कहा जयराम जी ने, जरा देखिए ये रिपोर्ट। जहां एक तरफ पूरे ही देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनता के दिलों को छू रहे हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इस भारत जोड़ो यात्रा में ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस के ऐसे कई चेहरे हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच अब तक यहां पर सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहे हैं कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ साथ यहां पर उनके भांजे महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान। पहली बार प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, उनके साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान भी राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आए हैं। रेहान ने कभी राहुल की तरह लोगों को अभिवादन किया तो कभी मोबाइल से फोटोज कैप्चर करते हुए नजर आए। 24 नवंबर की सुबह 6 बजे रेहान मामा राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते हुए दिखाई दिए। भारत जोड़ो यात्रा में वह शामिल हुए और 3000 रिपीट, आपको बता दें 3 दिन में रेहान 70,000 कदम चले हैं। सियासी गलियारों में अब कयास लगना शुरू हो चुका है कि अब रेहान की ये पॉलिटिकल एंट्री है और इस पर अब जवाब दिया है जयराम रमेश ने। कांग्रेस के कम्युनिकेशन हेड जयराम रमेश ने रेहान को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उनका यात्रा में शामिल होना कोई पॉलिटिकल लॉन्च नहीं है, रेहान की मौजूदगी को ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी बीते 80 दिनों से कंटेनर में रहे, वे अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे, बहन से मिलना चाहते थे, भांजे को देखना चाहते थे। हो सकता है कि राहुल ने रेहान को याद किया और बहुत दिनों से वह परिवार से अलग रहे। जयराम का कहना रहा कि यदि मेरा भी कोई भाई या बहन होता तो मैं भी उन्हें बुलाता कि आओ यहाँ पर मुलाकात कर ले, व्यक्ति को फैमिली कंपनी की जरूरत है। और दिग्विजय सिंह से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि रेहान ने खुद यहाँ पर आने की इच्छा जाहिर की थी, वहीं वह ग्रेजुएट हो चुके हैं और जल्द ही प्रियंका की बेटी मिराया भी भारत लौटने वाली है जो इन दिनों अमेरिका में है। रेहान सोशल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं और वह पूरे ही समय राहुल और प्रियंका के साथ सुरक्षा के घेरे में चलते हुए नजर आए। ठहरने के लिए उन्होंने कैंप साइट पर कंटेनर का इस्तेमाल किया जिससे कि मामा के संघर्ष को वह महसूस कर सके रेहान के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि ये समय बात करने के लिए उपयुक्त नहीं है। रेहान ने नहीं रॉबर्ट वाड्रा
इतना ही नहीं, रॉबर्ट वाड्रा भी मीडिया से दूरी बनाती हुई नजर आए। आपको बता दें कि दिल्ली के बीकानेर हाउस में साल 2021 में जुलाई के महीने में रेहान ने फोटो प्रदर्शनी लगाई थी, जिसके चलते भी वह काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। रेहान को फोटोग्राफी का काफी ज्यादा शौक है। बताया जाता है कि राहुल ने उनके लिए तमाम अरेंजमेंट की थी, उनकी मदद की थी, और मामा और भांजे के बीच की जोड़ी काफी ज्यादा शानदार है और दोनों के बीच बेहतरीन बॉन्ड देखने को मिलता है। 24 जून साल 2021 में प्रियंका ने बेटी मिराया को जन्म दिया, तो वहीं साल 2000 में रेहान का जन्म हुआ। महज 22 साल के हैं रेहान और इस वक्त चर्चा का विषय वह बने हुए हैं। आप सभी ने देखा जाना प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान के बारे में कि इस वक्त वह किस तरीके से सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति में क्या भविष्य में रेहान कभी नजर आएंगे राजनीति में कदम रखते हुए। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी जनता के दिलों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जल्द ही ये यात्रा रुक करेगी राजस्थान की तरफ। 4 दिसंबर या फिर 3 दिसंबर के दिन राजस्थान में ये यात्रा प्रवेश कर सकती है और मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उस जंग पर विराम भी लगाया जा सकता है, क्योंकि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि दिसंबर के अंत में शायद राजस्थान के मसले पर, राजस्थान में जो सियासी संकट गहराया हुआ है, उस पर फैसला जरूर लिया जा सकता है। ये चुनाव साल 2023 में होने को जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। Yeah.